नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, देश में इन दिनों हिजाब को लेकर हंगामा मचा हुआ है, जहां ईरान में हिजाब का विरोध हो रहा है, भारत में उसके समर्थन में बातें की जा रही हैं और इस मामले में अब लीगल पहलू भी खुल गया है। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच का एक निर्णय आया, जिसमें जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस धुलिया दोनों ने ही अलग अलग अपने विचार व्यक्त किए हैं। और ऐसे में ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने अपनी एक अलग मांग रखी है, उस निर्णय स्प्लिट निर्णय जिसे कहेंगे, विभाजित निर्णय, उसको देखते हुए। और उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा और उनका पर्पस क्या है, आगे वो किस नजरिए से इस मामले को देखते हैं हिजाब वाले, इस मामले पर बातचीत करने के लिए अभी मेरे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट डॉक्टर आदिश अग्रवाला, जो कि तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बार काउंसिल के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाला, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तनेजा साहब, जो आपने हमको बात करने के लिए सोचा। डॉक्टर अग्रवाला, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हिजाब पर अभी जो दो जजों की बेंच का स्प्लिट एक निर्णय आया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, बड़े संक्षेप में पहले। देखिए, ये जो निर्णय, ये स्प्लिट आया, ये कुछ कारण थे कि जजों के पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्रॉपर केस को समझ सके। खासकर जो जस्टिस धुलिया थे, उनको क्योंकि केवल 10 तारीखों में ही, 10 डेट्स में ही आर्गुमेंट सुनी गई और मामला ये बहुत बड़ा था। और क्योंकि जस्टिस हेमंत गुप्ता जी 16 तारीख को रिटायर हो रहे थे, इसलिए ये जल्दी से और 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगा इस केस को सुनने में। तो जो जस्टिस धुलिया साहब ने को ये पता ही नहीं था कि कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर जो स्टूडेंट थे, मुस्लिम स्टूडेंट थे, उन्होंने खुद ही अपनी ग्राउंड ली थी कि हिजाब इज पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लामिक फेथ, कि इस्लाम में जो हिजाब है एक रिलीजियस प्रैक्टिस है, जरूरी प्रैक्टिस है, ये उन्होंने स्टैंड लिया था। परंतु सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस धुलिया साहब ने ये उस ऑर्डर को क्वेश्चन करा, ये कह के कि भाई ये चीज नहीं सोचनी चाहिए थी जो हाई कोर्ट ने इस बात पे डिसीजन दिया। अच्छा, अभी आपने कहा कि बहुत कम समय मिला, यानी जैसे जस्टिस हेमंत गुप्ता थे, उनकी रिटायरमेंट होने वाली थी, इससे मुराद है ना आपकी कि समय कम मिला, इसलिए उनको जल्दी निर्णय लेना। जी। अच्छा, दूसरा आपने एक बात कही कि जस्टिस धुलिया को ये मालूम नहीं था कि कर्नाटक हाईकोर्ट में क्या दायर किया गया, तो उन्होंने फिर क्या, ऐसा होता है कि कोई जस्टिस बिना जाने ही फैसला दे दे? वो यही हुआ ना, टाइम थोड़ा था, अगर टाइम ज्यादा होता, जल्दी में ये डिसीजन ऐसा लिया गया, क्योंकि जो बेसिक वहां स्टैंड लिया उसी को वो कह रहे हैं कि ये तो स्टैंड जज ने डिसाइड ही नहीं करना चाहिए था कर्नाटक हाईकोर्ट को। लेकिन सर, फिर अगर समय नहीं था तो फिर ऐसे जजेस को पास आनी चाहिए थी इनकी सुनवाई जिनके पास समय हो। यही गलती मैंने जो चीफ, यही मैंने अपने लेटर जो मैंने नए चीफ जस्टिस को, इस टाइम के चीफ जस्टिस ललित साहब को मैंने भेजा, उसमें कहा कि जो कि जस्टिस रमन्ना साहब ने, जो चीफ जस्टिस ने जब ये बेंच को बनाया, वो बनाते वक्त गलती करी कि उन्होंने जस्टिस हेमंत गुप्ता जी को उसमें रखा जिनका रिटायरमेंट 16 अक्टूबर को था जी, और दूसरे जज सुधांशु धुलिया जी जो कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में 9 मई को हाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने। तो क्या होता है कि जितने हम सुप्रीम कोर्ट में
चीफ जस्टिस भी जो बनाए जाते हैं वो जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको बनाया जाता है जी। क्योंकि सीनियर पोस्ट होने का मतलब उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है जी। तो ऐसे सेंसिटिव मामले में ये मामला सबको पता था, टेलीविजन अखबारों में आ रहा है, इतने सेंसिटिव मैटर में सीनियर जज को उनको लगाना चाहिए था। सीनियर जज को चाहे स्टेटस उनका एक है परंतु एक एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रोविजन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही होगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा। मैं इससे आपको एक बात पूछना चाहता हूं जनता के जानकारी के लिए कि जब एक बेंच बनाई जाती है चाहे वो दो जजेस की हो या पांच की हो या चार की हो तो उनका फैसला एक मत से या यूनैनिमस नहीं आना चाहिए, क्या स्प्लिट भी आ सकता है, ऐसा प्रोविजन है क्या कानून में? देखिए हर जज जितने भी बेंच में दो जज हैं, तीन जज हैं या पांच जज हैं या सात जज हैं, हर एक को अपनी बात अपना डिसीजन देने का अधिकार है। नहीं क्या ऐसे फाउंडेशन नहीं है कि भाई सबका इकट्ठा ही आएगा? नहीं। वो ये एक जज के जो विचार हैं वो दूसरे पे कैसे थोप सकते हैं? सीनियर जज अपनी ओपिनियन बताता है, दूसरे जज उसको मानते हैं तो कहते हैं कि जी हाँ आपका जो ये डिसीजन है वो ठीक है, तो एक ही जज लिख देता है। जहाँ वो दूसरे जजेस कहते हैं नहीं जो आपने जो ये डिसीजन ले रहे हो, जो आप ये जो ग्राउंड ले रहे हैं वो चीज को हम नहीं मानते हैं, हम उसको पे एग्री नहीं है, तो वो जजेज अपने अपना जजमेंट लिखने का उनको अधिकार है। यानी आप ये कहेंगे कि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी महत्वपूर्ण मामलों पर स्प्लिट डिसीजन आते रहे हैं? हाँ बिल्कुल आते रहे हैं, कि जहाँ पांच जजों की बेंच होती है वहाँ कई बार चार जजेज एक इश्यू पर हैं और एक जज एक पे है, दूसरा डिसीजन होता है उसका। डॉक्टर अग्रवाल मैं अब आपके उस पर आता हूँ, जो आपने लेटर लिखा है ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के चेयरमैन के नाते जो एक पत्र लिखा है कि इस मामले पर पांच जजों की बेंच बनाई जाए और उसमें एक जज कंपल्सरी मुस्लिम पक्ष से भी, मुस्लिम समुदाय का भी होना चाहिए। जी जी आपका जी। ये लिखने का क्या कारण है, स्पेशली उसमें ये जो आपने मुस्लिम वो जोड़ा है उसका अलग से बताइए। देखिए क्या है, ये मामला मुस्लिम समुदाय की बच्चों के पढ़ाई का है और वो एक हिजाब को यूज कर रहे हैं और जो चीज एक मुस्लिम जज ज्यादा नॉलेज रखता है अपने समुदाय के बारे में अपने इस रिलीजन के बारे में, एक तो वो बात है उसका लिखने का मतलब ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा उनको। दूसरा मतलब ये भी है कि आपके पास जब सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम जज है जी, तो आप उसको ना लें तो मुस्लिम समुदाय को कल को अगर उनके जो वो चाहते हैं वो जजमेंट ना आए तो उनके मन में एक ये विचार आता है कि भाई हमारे साथ ये जो मुस्लिम जज होते हुए भी उसको जजमेंट जज दे के सुनने में नहीं रखा तो हमारे साथ अन्याय हुआ, हम इसको नहीं मानते, ये तो बहुत जो मेजोरिटी ग्रुप है रिलीजन है उन्होंने हमारे साथ गलत किया। आपने देखा कि राम जन्म भूमि में इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी मुस्लिम जज थे और सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्लिम जज थे, यानी पार्शियलिटी थोड़ा सा सिद्ध हो जाती है। हाँ उससे ये लगता है कि भाई क्योंकि मुस्लिम जज ने भी ये बात बोली तो उनको ये विश्वास हो जाता है कि भाई जो हम सोच रहे थे वो बात जायज नहीं है, जब हमारे मुस्लिम जज ने भी ये बात बोली तो उनका कॉन्फिडेंस एक वो हो जाता है और वो उस जजमेंट को मानते हैं, जैसे कि पीसफुली राम जन्मभूमि में सबने अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को माना। अच्छा तो सर आपने ये जो बोला कि पांच जजों की बेंच बनाई थी तो पांच जजों से क्या फायदा होगा, क्योंकि आपने बोला कि अगर दो में डिफरेंस है, दो लोग जज बनाए जा दो जज अपॉइंट किए थे बेंच में और अगर उनके मत डिफरेंस है तो वो अपने मत डिफरेंट लिख सकते हैं, तो फिर पांच में अगर यूनानिमस नहीं होता
यूनानी में सोना जरूरी नहीं है। एक सेकंड, फिर वो भी अलग अलग लिखेंगे, फिर इसका फैसला कैसे होगा? नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, जो चीज पे तीन जजों ने उसमें कह दिया कि ये होना चाहिए, हमारे हिसाब से ये है, तो वो चीज मानी जाएगी। अच्छा, पांच में से अभी क्या था, अभी थे दो, दो में से एक एक बराबर हो गए। अच्छा। अब किसी की बात नहीं मानी जा सकती, परंतु पांच होंगे, तीन होंगे, तो उसके अंदर जो है दो एक चीज को मान रहे हैं, तीन एक चीज को मान रहे हैं, यानी मेजोरिटी जिसको मानेगी वो पक्ष मान्य होगा, वो पक्ष मान्य होगा। पांच का हमने इसलिए बोला है कि ये बहुत बड़ा मामला है जी। ये दो तीन क्यों करें, जब हमारे पास जजेज हैं और सीनियर जजेज हैं, तो वो सीनियर जजेज उसको उसकी आर्गुमेंट सुने और उसको डिसाइड करें जी। पांच में ये है कि बस ज्यादा आदमियों ने दिमाग लगाया, ज्यादा जजेज ने दिमाग लगाकर बात बोली, तो उसका एक और ज्यादा असर रहता है। अच्छा, मैं एक बात फाइनल पूछता हूँ आपसे जी, ये पांच जजों में से एक बहुमत बन जाता है और उस पर कोई निर्णय आ जाता है, तो माना तो ये जाएगा कि वो सर्वमान्य निर्णय हो गया, अंतिम हो गया, पर क्या फिर उसके खिलाफ भी कोई याचिका दायर की जा सकती है उस बेंच की डिसीजन के खिलाफ? हाँ, उसके खिलाफ भी, उसके खिलाफ भी दोबारा रिव्यू पिटीशन डल सकती। तो फिर उसका फैसला कैसे होगा? उसके अंदर यही जज दोबारा करेंगे, उसके बाद क्यूरेटिव हो सकती है जी, उसमें चीफ जस्टिस और जजेज, तीन और जजेज के पास जाएगी जी। तो अंतिम रूप से आप क्या समझते हैं कि इसका क्या, किस तरफ जाने वाला, एक विशेषज्ञ होने के नाते, संविधान विशेषज्ञ, कानून का विशेषज्ञ होने के नाते, आप क्या समझते हैं कि ये मामला क्या मोड़ लेगा या क्या डिसीजन तक पहुंच पाएगा आगे जाकर के? देखिए, डिसीजन तो नेचुरली होगा, अब क्वेश्चन ये है कि क्या डिसीजन होगा। जहां तक मैं, मेरा जो पर्सनल मत है, जो मैंने वहां भी लिखा था कि ये जो कि असलियत ये है कि जो ये जो जो कि बोल नहीं रही है, ना कि वहां के कर्नाटक है, गवर्नमेंट ने भी नहीं आर्ग्यू किया, पर असलियत में जो मेरा ये मानना है, पर्पज है कि आजकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, आजकल टेररिस्ट बहुत एक्टिविटीज हो रही हैं, जो जो देखा गया था पीएफआई जो है वो स्टूडेंट्स को एक इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो लैंड ऑर्डर को संभालने के लिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो, लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम वो खराब ना हो, इसलिए डिसिप्लिन रखना एक बहुत जरूरी है। इसलिए जो हाईकोर्ट ने, जो कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी करा कि यूनिफॉर्म पहननी है और यूनिफॉर्म में ये एक्स्ट्रा चीज आप नहीं पहन सकते, क्योंकि इसमें आदमी की आइडेंटिटी नहीं होती है जी, पहचान में नहीं आ। आप अगर हिजाब पहन ले पूरा, ये जो लेडीज लड़कियां पहनती हैं पूरा नीचे से ऊपर तक, और ऊपर सिर भी ढक लिया, और अभी भी कोरोना के वो असर है उसमें मुंह भी, तो केवल आपकी आंख दिखाई देती है, तो वो वाली चीज अलाउड नहीं होना चाहिए। उसमें लैंड हमको को जो मुलजिम होते हैं, जो कोई क्राइम कर रहे हैं, उनको हमको पहचानने में दिक्कत होती है हमारी एजेंसीज को, और एक ही डिसिप्लिन है ना, और ये वाली चीज मुस्लिम देशों में अलाउड नहीं है जी। और ये कहना कि ये जो है हमारा हिजाब जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, ये बात गलत है। जितने ये केवल जो अनपढ़ जो बच्चों को, फैमिलीज को, जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, वो ऐसी चीज बोलते हैं। कहां कितने पढ़े हमारे आईएएस बच्चे हैं जो मुस्लिम समुदाय से, वो कोई नहीं पहन रहा। एक्टर एक्ट्रेसेस के लिए नहीं है क्या? फिल्मों में काम करती हैं एक्ट्रेसेस, वो कोई हिजाब पहन के एक्टिंग नहीं कर पाती? हाँ, कोई नहीं। ये तो जो काम में नहीं है, बेरोजगार है, उनको जो जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो बरगला रहे हैं, क्योंकि कहीं भी एसेंशियल किसी भी रिलीजियस उसमें मुस्लिम्स के किताबों में नहीं लिखा है कि ये रिलीजियस जरूरी है, कहीं पर भी हिजाब का
रेफरेंस ही नहीं है, ये तो अपने आप ये मौलवी और ये अपने आप बना रहे हैं इनको मुस्लिम लेडीज को दबाने के लिए, ये प्रोग्रेस ना करें, ये घरों से बाहर नहीं निकलें। आज सब जगह सब फ्रीडम चाहते हैं, जो इनकी प्रोस्पेरिटी नहीं हो रही है। तो ये चीजें गलत हैं, सबको खुले उसमें वातावरण में रहना है। और इस लैंड ऑर्डर के सरकारों को भी बड़ी दिक्कत होती है। डॉक्टर अग्रवाला, आपने हमें जानकारी दी, खुलकर आपने बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर आदिश अग्रवाला से, जो ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि मुस्लिम ग्रंथों में इस हिजाब या पर्दा प्रथा की प्रैक्टिस के लिए कहीं नहीं कहा गया है। ये सिर्फ धर्म के उनके अगुआ हैं जो एक दबाव की रणनीति के तहत इसको बचाए बनाए रखना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना है बतौर संविधान और कानून विशेषज्ञ के, कि इस पर जो भी फैसला आएगा कानून के रखवालों और धर्म के अगुआ लोगों को राष्ट्र की सुरक्षा यानी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए भी इस पर विचार करना चाहिए। अगले कार्यक्रम में किसी और विशेष हस्ती के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।